प्रति एकड़ करोड़ों का मुनाफा। नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल किसान बदलेगा में स्वागत करते हैं। किसान साथियों, आज जिसकी खेती के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसकी खेती का नाम है महोगनी। हम चर्चा करेंगे इसकी खेती के बारे में, इसके पौधे खरीदने से लेकर इसकी लकड़ी तक बेचने तक के विषय में। हम ए टू जेड पूरी जानकारी के विषय में पूरी विस्तार में चर्चा करेंगे। आप में से हमारे काफ़ी दर्शक हो सकते हैं जो इसकी खेती के बारे में पहले से जानते हों। आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम कुछ ऐसी भी जानकारी साझा करेंगे जो शायद आप उनसे वंचित रहें। किसान साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल किसान बदलेगा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर लाते रहते हैं हम सबसे पहले नई किस्मों की व सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की जानकारी। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम चर्चा करेंगे महोगनी की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है, इसकी खेती आप कहां कर सकते हैं, पौधे लगाने का सही तरीका क्या होता है, सही किस्म कौन सी होगी, प्रति एकड़ कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, इसकी जलवायु एवं तापमान, हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि महोगनी से आप कितने तरीके से आमदनी कमा सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो कि इसे खेती करने से पहले जानना बेहद काफी जरूरी होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे जैसे कि आप इसके पौधे कहां से सही रेट में खरीद सकते हैं और इसकी लकड़ी को आप कहां बेच सकते हैं। बात करें महोगनी की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है, तो महोगनी की लकड़ी अत्यधिक मजबूत होने के साथ साथ पानी में सड़ने के प्रति काफ़ी सहनशील होती है, जिसके कारण इसके पानी के जहाज में विभिन्न तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग वाद्य यंत्रों, बंदूक में कोंदों, साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते जो होते हैं वो भी बेहद काम के होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते विभिन्न प्रकार के रोगों में प्रयोग किए जाते हैं। बात करें इसकी खेती आप कहाँ कर सकते हैं, तो इसकी खेती लगभग आप सभी जगह कर सकते हैं, परंतु कुछ विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप इसकी खेती वहाँ ना करें जहाँ जल भराव काफ़ी रहता है। दूसरी बात, आप इसकी खेती वहाँ ना करें जहाँ अत्यधिक ठंड होती है, यानी बर्फीले क्षेत्रों में इसकी खेती ना करें। साथ ही साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि आप इसकी खेती उन क्षेत्रों में ना करें आप पहाड़ी क्षेत्र हैं, बाकी आप सभी जगह इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। बात करें पौधे लगाने का सही तरीका क्या है, तो पौधे लगाने के लिए आप 2 से 4 दिन पहले लगभग 2.5 फीट चौड़ा तथा 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दें। उसके बाद अगले दिन इसको वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद में मिट्टी मिलाकर इस गड्ढे की पुराई पूरी तरीके से कर दें। और हाँ, यदि आपका क्षेत्र दीमक वाला है तो इसमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग कर लें, ताकि कोई किसी भी प्रकार का कीट बाधक ना बने। पौधे लगाने के लिए लगभग आप 6 फीट अंतराल का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें प्रति एकड़ आप कितने पौधे लगा सकते हैं, तो प्रति एकड़ आप 1100 से 1200 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। बात करें जलवायु एवं तापमान की, तो इसके जलवायु यह लगभग सभी प्रकार की जलवायु में उत्पन्न हो सकता है, परंतु जल भराव वाला क्षेत्र ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बात करें तापमान की, तो लगभग यह 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। बात करें आप किस किस्म का चयन करें ताकि बेहतर भाव आपको प्राप्त हो सके, तो बाज़ार में लगभग 5 तरीके की वैरायटी आती हैं। उनमें से सबसे अच्छी किस्म आती है जो है, वो है अफ्रीकन, जिसका रंग लाल हल्का भूरे रंग का होता है। बात करें महोगनी से आप कितने तरीके से आमदनी कमा सकते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। पहला, आप पत्ते सुखाकर भी बेच सकते हैं, इसके पत्ते बाज़ार में काफ़ी अच्छी कीमत दे सकते हैं। दूसरा है बीज। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके महोगनी के पौधे में 5 वर्ष में एक बार ही बीज आते हैं, जिनकी कीमत की बात करें तो लगभग 1000 से 1200 रुपये प्रति केजी के भाव से बिक जाते हैं, और प्रति पौधे से लगभग 5 किलो तक बीज प्राप्त हो सकता है। अगला तीसरा माध्यम है, सीधा आप लकड़ी बेचकर भी इसका प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसकी लकड़ी की कीमत की बात करें तो लगभग 2000 से 2200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से बिक जाती है। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। इसका पौधा कटाई के लिए लगभग 10 से 12 वर्ष में तैयार हो जाता है। इसके पौधे की लंबाई लगभग 65 से 70 फीट तक आसानी से हो जाती है।
इसके पौधे से शाखाओं का फुटाव नहीं होता, यानी इसके पौधा सीधा बिल्कुल यूकेलिप्टस की तरह ही होता है। बात करें इसके पौधे आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके पौधे के लिए आप इंडिया मार्ट या अमेजॉन का सहारा ले सकते हैं। यदि पौधे से जुड़ी आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास। बात करें इसकी लकड़ी आप कहाँ बेच सकते हैं, तो लकड़ी बेचने के लिए आप बड़ी मंडियों को संपर्क करें। इसकी लकड़ी बेचने के लिए आप अपने नज़दीकी मंडी ना चुनकर आप कोई बड़ी मंडी का चयन करें, वहाँ पर आपको यह आसानी से बिक जाएगी। यदि आपकी इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट के माध्यम से आप उनसे साझा कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।